नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनु दादा ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहिए देखते हैं। माता की गुरुजी एथ राजा आप जा दी ओ गुरुजी आ गया सम्मानित हमारे खंड विकास अधिकारी जी, हमारे पीएम जी स्वाई के अधिशासी अभियंता जी और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी, गांव के प्रधान जी और हमारे दोनों गुरु जी, गांव की माताएं बहने प्यारे बच्चों, युवा साथियों, मैं दो तीन चीजें बताने आपको आ रखा हूं कि अगर आपके गांव में किसी भी व्यक्ति गरीब आदमी का अगर आवास बनने का भी छूट गया तो आप फॉर्म भर के हमारे खंड विकास अधिकारी को, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे यूकेडी वाला हो, चाहे बिना पार्टी, हर गरीब को 26 जनवरी तक मकान देने का काम हमारी डबल इंजन सरकार का है, मोदी जी का और धामी जी का, आपके भाई धन सिंह। पहली बात, दूसरा, अगर किसी का शौचालय बनने से रह गया तो शौचालय बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, आपने फॉर्म भर के देना है, उसका शौचालय बनाएगा। दूसरी, तीसरा, किसी के घर में अगर पानी का कनेक्शन रह गया निकाल गांव पंपिंग योजना से या कहीं से,
हर घर में पानी देने का काम भी हमारी सरकार। आप फॉर्म भर लीजिए, कहाँ से पानी आना है वो भी बता दीजिए, और पैसे की चिंता मत करो। आपने जब मुझे विधायक बना रखा है तो पैसे देने का काम किसका है? मेरा है। और कोठली गांव के लोग तो जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। तुमने इतनी वोट दे रखी मुझे, जो डिमांड करोगे मैं कर दूंगा। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके गांव में किसी का बिजली का कनेक्शन रह गया तो बिजली का कनेक्शन देने का काम भी हमारी सरकार। किसी का अगर 2000 रुपए किसान सम्मान निधि का रह गया हो, छूट गया हो, तो उसको सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार का। अगर किसी का राशन कार्ड बनने से रह गया हो तो राशन कार्ड बनाने का काम भी हमारी सरकार का। और इतना ही नहीं, अब जो हम गरीब लोगों को फ्री का राशन देते थे कोविड के समय से, अब मोदी जी के लिए ताली बजा दो कि 5 साल तक उसको क्या कर दिया, क्या कर दिया, वो सब अखबारों बार पढ़ते हैं समाचार तो ये भी करते। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अगर आपको कि जो हम 6000 किसान सम्मान निधि देते हैं किस किस को देते हैं, हाथ खड़े करें, सभी को मिलते हैं। ये बताओ 6000 में 5500 तो नहीं मिलने, कितने मिलने पक्का? अगर यही निधि अगर हम अगर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से देते या कृषि अधिकारी के माध्यम से देते तो पूरे रुपए आते। तो एक ताली बजा दो मोदी जी के लिए कि हमने भ्रष्टाचार क्या कर दिया, बिचौलिया क्या कर दिए, बोलो क्या की। अगर हम सरकारी अधिकारियों के थ्रो बंटवाते तो 4 चक्कर काटने पड़ते कहां के, आज दफ्तर बंद है, आज हमारा सर्वर डाउन है, आज भाड़े में जा रहे थे, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, डीबीटी के माध्यम से पैसा। और अब एक ताली और बजा दो कि 100 लड़कियों के लिए खिरसों में, जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं उनके लिए मैं खिरसों में हॉस्टल बना रहा हूँ, 7 करोड़ रुपए का हमारी खर्चा। कोदा झमोरा धाके जो है यहाँ से जाएगी और हॉस्टल में रहेंगी, फ्री की शिक्षा लड़कियों को दी जाएगी। कहाँ पे अब आपको जाने और श्रीनगर जाने की भी जरूरत। और जब मैं यहाँ चुनाव के समय आया था तब आपने कहा था कि धन सिंह भाई हमारे गांव के लिए रोड पक्की कर दो, गुड़खाला तक भी रोड दे जाए, इन्हें भी दे जाए। आज 11 करोड़ रुपए एक अकेले तुम्हारे गांव के लिए उठाओ, कितना करोड़ रुपए, ठीक है, यहाँ पे दोनों लोग। और इतना ही नहीं, आपके इलाके के लिए जितने इंटर कॉलेज हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल मैंने 2,70,00,000 रुपए दे दिए हैं इनका उद्धार करने के लिए, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, टाइल्स लगा दिए, छत की मरम्मत कर लिए, बच्चों के लिए फर्नीचर है, बच्चों के लिए खेल का सामान है, जो भी कमी होगी वो पूरा किया जाए। अब एक पहले तो मुझे धन्यवाद देना था, कहा हमारा सरकार धन्यवाद, एक शब्द में बोल के मंत्री जी धन्यवाद, एक और हो जाएगा। अब एक और, अब ये बताओ कि अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं एक हफ्ते बाद जेई को भेजूंगा और जेई जहां जहां कहेगा कि वो यहां से जाएगा, उन सारे परिवारों की आप एनओसी और जैसे एनओसी मिल जाएगी मैं आपके गांव के लिए क्या दे दूंगा, रोड। ये तो हो क्या रहा है, एक तो मैं जिस गांव को रोड दे रहा हूँ, 4 परिवार है कहीं 5 परिवार है, और जैसे ट्रक पहुंच रहा है गांव में सीधे रोड दे रहा हूँ चले जाए। दूसरा
जिस गांव को मैं रोड दे रहा हूँ तो पहले वो कह रहे हैं कि रोड देना, और जैसे हमने रोड की स्वीकृति कर दी फिर जो है खेत ले गए। तो मेरा कहना है मेरे सासे बंता बैठे हैं, अगर आप तो मैं जेई को भेजूंगा दो चार दिन में, और जहाँ जहाँ से रोड जाएगी आप NOC दे देना, और पैसे देने का काम किसका है? मेरा है। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी आपका। और बाकी कल भूखाल का मेला है, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो जो आ सकते हैं वो जरूर आ जाना। और कोठली गांव का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी वोट दी है कि इस बार मैं बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से चुनाव जीता हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज कोठली की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपया वोट दे रहे हैं। कितना? 10 लाख। राजकीय इंटर कॉलेज कोठली में 4.5 लाख रुपए शौचालय के लिए मैंने दिए। लड़की के लिए 2 शौचालय अलग बनेंगे और लड़कों के लिए अलग अलग। प्राथमिक विद्यालय डॉक्टरों के लिए 2 लाख रुपए दे दे यहाँ के लिए। अगर गुरुजी है अगर कम पड़ेंगे तो ले लेना भाई, इसकी हालत बहुत खराब है। अगर पूरा तोड़ के बनाना हो तो पूरा तोड़ के बना देंगे, पैसे की कमी। एक बार बड़े वालों से पूछ लीजिए तो हम कल करेंगे। कन्या जूनियर हाई स्कूल की मरम्मत के लिए भी मैंने 4 लाख रुपए दे दिए। प्राथमिक विद्यालय सिंदूरी की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए दे दिए। रामलीला मैदान के टीन सेट के लिए 2 लाख रुपए और दे दिए। धरीगांव में विधायक जी से जो है रेलिंग लगाने के लिए 1.5 लाख रुपए दे दिए। और कोई कमी है और कुछ है? आप ये बताओ कि भराड़ी देवी के मंदिर कितने जाते हैं? हाथ सारे जाते बस तक झुको और ऊपर है वहाँ पे सेट छूट है। हाथ उसके लिए मैं पैसा दे दूंगा, जो भी लगेगा दे दूंगा, क्या 2 लाख लगे 3 लाख 4 लाख लगे 4 लाख ठीक है। और कुछ बाकी रहे तो बोल जाए। लेकिन खेत आप बाकी आज हम 2.4 सात लोगों को आज हम आवास देते हैं घर बनाने के लिए। तो जिन जिन को आवास मिलेंगे उनको मेरी तरफ से बधाई है, मोदी जी की तरफ से बधाई है, और हमारे धामी जी की तरफ से बधाई है, और हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से भी बधाई है। कोई गरीब ऐसा नहीं छूट गया जिसके आवास ले रखा, कोई भी गरीब ये मत देखना कि भाई वो हमारे साथ था या हर गरीब को हम आवास देंगे। बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।